students, so this is my second video on polynomials of class 10th, and today's topic is relation between zeros and coefficient of polynomials. जो polynomials होते हैं उनके जो coefficient है और zeros है उनके बीच में क्या relation होता है, आज इसके बारे में अपन discuss करने वाले हैं. तो सबसे पहले लेते हैं quadratic polynomial. All of you know that ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial. अब अगर quadratic polynomial है मतलब degree कितनी है, 2 है. And we know that the zeros of a polynomial depends on the degree. मतलब जितनी degree होगी उतने ही zeros होंगे. तो इसके zeros भी कितने होंगे, 2. तो उन zeros को हमने क्या suppose कर लिया है, alpha and beta. क्या suppose कर रहे हैं, this is alpha and this is beta. ठीक है, सिंबल यूज करना है तो कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, अल्फा एंड बीटा. अब नंबर ऑफ रिलेशंस ये भी डिपेंड करता है डिग्री पर, जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, रिलेशंस होंगे. तो डिग्री 2 है तो इसके रिलेशंस भी कितने होंगे, 2 ही रिलेशंस होंगे. तो चलिए बात करते हैं क्या-क्या रिलेशंस होंगे. इनमें एक पैटर्न चलता है, इस पैटर्न को अगर आप समझ लेंगे तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक क्या डिग्री 10 का पॉलीनोमियल भी होगा, तो आप ऑटोमेटिकली उनके रिलेशंस बना पाएंगे. तो चलिए समझते हैं. पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस. भाई दो जीरोस हैं तो हम जीरोस के बीच में या तो सम का रिलेशन बनेगा या प्रोडक्ट का. तो पहले बात करते हैं सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा. अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कोई भी रिलेशन आएगा उसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट ही आना है. ठीक है, और एक-एक करके तीन ही कोफिशिएंट है यहां, a b और c. तो a डिनोमिनेटर में आएगा तो बचे क्या, b और c. तो इनको अल्टरनेट लेके चलेंगे. पहला नेगेटिव आएगा तो पहले रिलेशन में माइनस b, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, तो पहला रिलेशन बन गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. एंड द सेकंड इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. पहले में हमने सम किया, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा. तो अल्फा * बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, b हम यूज कर चुके हैं और अल्टरनेट आएगा. यहां माइनस आ गया तो अगले में क्या आएगा, प्लस. तो पहले आएगा c और डिनोमिनेटर में हर बार ही यही आना है, जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा. तो c / a इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. तो ये दोनों रिलेशन है, ऐसे इजीली लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में यूज हुआ. और एक पैटर्न है जैसे आपने देखा कि कैसे बने, क्यूबिक में भी हम करेंगे. चलिए बात करते हैं इसके प्रूफ की ये आए कैसे. ठीक है, जनरली प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है पर आपको पता होना चाहिए कि ये आए कैसे. तो अपन इसका प्रूफ करते हैं. हम मान के चल रहे हैं कि दो जीरोस हैं अल्फा बीटा है. तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, कौन से पॉलीनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर्स. हमें पता है इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल देन x माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर. ऐसे ही अगर बीटा इज अ जीरो देन x माइनस बीटा इज द अदर फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल. तो अगर ये दोनों फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम px को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट. फिर मैंने k भी ले लिया, अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बची होगी जो इन फैक्टर्स में नहीं आई है तो उसके लिए k ले लिया. k 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है. चलिए अब बात करते हैं, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है. तो p ऑफ x का मतलब है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां k as it is और इन दोनों का हम इनटू कर देते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का. तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस बीटा x, पहले इस x का इनटू कर दिया, फिर इस अल्फा का होगा तो माइनस अल्फा x और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा इनटू बीटा. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c as it is, अब k का भी इनटू कर दो, k का x स्क्वायर में होगा तो kx स्क्वायर. इन दोनों में से हमने माइनस का x कॉमन निकाल लिया तो अंदर बनेगा अल्फा प्लस बीटा, फिर k का भी इनटू हो रहा है तो ये माइनस k अल्फा प्लस बीटा इनटू x, और फिर k का इस लास्ट वाले टर्म में इनटू होगा तो k अल्फा बीटा. तो अब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये इक्वल है. ये कब इक्वल हो पाएगी, जब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे. टर्म्स तो हैं यहां, x स्क्वायर वाली टर्म है यहां भी है, x वाली टर्म है यहां भी है, कांस्टेंट टर्म है यहां भी है. तो ये इक्वल तभी होंगे जब इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल. तो इनके कोफिशिएंट को अपन कंपेयर कर रहे हैं एक-एक टर्म करके. पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहां कितना है, k है. तो इसका मतलब a की वैल्यू k है या k की वैल्यू a है. चलिए दूसरे कोफिशिएंट की बात करते हैं, दूसरे टर्म की. कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, यहां x
का कॉफिशियंट b है, पर यहां x का कॉफिशियंट है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। b इज इक्वल टू माइनस k की जगह हमने क्या रख दिया, a अल्फा प्लस बीटा, a को नीचे लेके आया विद साइन, तो b अपॉन माइनस से क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, उसको कहां लेके जाएंगे, न्यूमिनेटर में। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, यही था पहला रिलेशन, तो ये प्रूफ हो गया। बात करते हैं आगे, एक और टर्म बची है इसकी कॉन्स्टेंट टर्म, तो कंपेयर कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म सी है और यहां है के अल्फा बीटा, वापस से सी इज इक्वल टू के की वैल्यू रख दी ए, तो सी इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा, ए को नीचे लाए, सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा, या फिर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने क्या लिखा कि रिलेशन के हम एक पैटर्न के थ्रू तो लर्न कर ही सकते हैं, पर इनको प्रूव भी कर सकते हैं, हालांकि प्रूव एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर आपको आना चाहिए। अब जैसे हमने ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देखा, अभी बात करेंगे अपन क्यूबिक पॉलीनोमियल। चलिए तो बात करते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल की, किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो क्या है क्यूबिक पॉलीनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज अ स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। अगर आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के रिलेशन समझ नहीं आए तो इसको ध्यान से देखिए, इसकी हेल्प से आपको वो भी समझ में आ जाएंगे, पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर डिग्री है थ्री, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, थ्री, तो तीन जीरोस हैं, अल्फा बीटा पहले लिए थे दो, तो एक और बढ़ जाएगा, तो गामा भी ले लिया, अल्फा बीटा एंड गामा। नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने होंगे, तीन, बताया था कि डिग्री पर डिपेंड करता है। तो चलिए, पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगेन वही जो हाईएस्ट टर्म है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है, पावर वाली टर्म है, उसका कॉफिशियंट हमेशा नीचे आएगा। तो अगला क्या बचा मेरे पास, तीन ही बचे, फिर बी सी डी, एक एक करके लेंगे, और सबसे पहले क्या आएगा, बी, और वो भी निगेटिव साइन के साथ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, पहले में भी यही था, मतलब सम ऑफ जीरो इज ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट पे जाते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, जो जीरोस हैं उनमें से दो दो के प्रोडक्ट को लेकर फिर उनका सम करना है, तो कितनी कंडीशंस बनेंगी, अगर अल्फा बीटा ले लिया गामा छूट गया एक बार, फिर बीटा गामा ले लिया अल्फा छूट गया, फिर अल्फा गामा ले लिया बीटा, और इन तीनों को फिर प्लस करना है, तो क्या बनेगा, बी ले लिया है तो अगला क्या आएगा, सी अपॉन में आएगा, माइनस था तो अगला क्या आएगा, प्लस, अल्टरनेट चलेगा, तो ये सेकेंड रिलेशन आ गया। तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब तीनों को एक साथ ले रहा है, तो एक ही कंडीशन बनेगी, अल्फा बीटा गामा, अगेन बी और सी यूज हो चुके हैं, अब क्या होगा, डी अपॉन में आना है, तो डी अपॉन ए, पहले में माइनस था दूसरे में प्लस, तो इसमें क्या आएगा, माइनस। तो इस तरह से तीन रिलेशंस बन गए। एक बात का ध्यान रखें, जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो ज्यादातर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही यूज होता है, इसका रेयर केस में होता है, बट लेकिन जब अपन रिलेशंस बनाएंगे लर्न करने के लिए तो सारे एक ऑर्डर में ही जाएंगे। एक और देख लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, इसके रिलेशंस की बात करते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है, ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब डिग्री कितनी है, फोर, तो रिलेशन जीरोस कितने होंगे, फोर, क्या ले लिया उनको, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये चारों जीरोस ले लिया। नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितने होंगे, फोर, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला वही सम ऑफ जीरोस, सभी में पहला वही है सम ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अब चार है तो चारों का सम होगा, पहले में तीन थे उससे पहले में दो थे, तो माइनस बी अपॉन ए इज द सम ऑफ जीरोस। सेकेंड क्या है, सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टूज, टूज मतलब टेकन टू एट अ टाइम, तो दो दो करके उनका प्रोडक्ट करेंगे फिर उनका सम करेंगे। तो देखिए कैसे लेंगे, अल्फा बीटा आ गया, फिर अल्फा का गामा के साथ अल्फा गामा, फिर अल्फा डेल्टा, अब अल्फा को छोड़ देते हैं, बीटा से शुरू करते हैं, तो बीटा अल्फा ऑलरेडी हो चुका है, बीटा गामा बीटा डेल्टा, ठीक है, फिर गामा का अल्फा और बीटा के साथ हो चुका है गामा डेल्टा बचा, और डेल्टा का सभी के साथ हो चुका है, तो ये छह केसेस बनेंगे, सभी को प्लस कर दिया, क्या आएगा, अगेन सी अपॉन ए, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं, ऑर्डर में चलेगा, ए वाला सबके नीचे आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम बी और माइनस के साथ, तो पहला आ गया माइनस बी अपॉन ए, अब अगला आया सी अपॉन ए, अगर इनकी पर्टिकुलर वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव होगी तो उसके हिसाब से देख लेंगे, बाकी साइन यही चलेगा, पहले में निगेटिव फिर पॉजिटिव। बात करते हैं तीसरे रिलेशन की, सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्रीज, अभी दो दो करके लिए थे अब तीन तीन,
अब अगर चार है तो चार में से तीन लेना है, एक को छोड़ना है, तो तीन सिलेक्ट करने से बेहतर है एक को ड्रॉप किया जाए। तो पहले में डेल्टा ड्रॉप किया तो अल्फा बीटा गामा आ गया, अगले में गामा ड्रॉप किया तो अल्फा बीटा डेल्टा आ गया, फिर बीटा ड्रॉप किया तो अल्फा गामा डेल्टा आ गया, और फिर अल्फा ड्रॉप कर दिया तो बीटा गामा डेल्टा क्या आएगा, डी अपॉन एफ, वो भी कैसा, निगेटिव। ठीक है, अगला लास्ट बचा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब चार चार लेके करना है तो केसी एक बनेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और क्या आएगा लास्ट, क्या बचा है, ई, ई अपॉन ए, और कैसा रहेगा ये, पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव है। तो मैं आपको बताऊं, जनरली मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट और सम का ही यूज होता है, तो सम हर बार क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए, लेकिन प्रोडक्ट हर बार नहीं आ रहा, तो प्रोडक्ट को कैसे लर्न करेंगे, क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा हमेशा कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ द हाइएस्ट पावर ऑफ हाई टर्म ऑफ हाइएस्ट पावर, ठीक है ना, तो जो हाइएस्ट पावर वाली टर्म होगी उसका कॉफिशियंट नीचे आएगा और कॉन्स्टेंट आएगा। अब बात बनती है कि कैसे आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये आप ध्यान रख लें कि पहला हमेशा निगेटिव है। अब अगर मान लीजिए कि डिग्री थ्री का है, क्यूबिक है, तो तीन रिलेशन बनेंगे, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा इसमें, ये लास्ट ही बनता है प्रोडक्ट। चार है तो माइनस से काउंट कर लो, माइनस प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, पांचवे होंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से आप कितने भी रिलेशन बना सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल की, कोई भी डिग्री हो उसकी, चाहे डिग्री 10 हो चाहे 100 हो, आप रिलेशन बना सकते हैं, पर आपके सिलेबस में बाय क्वाड्रेटिक से ज्यादा है नहीं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक ही आपके सिलेबस में, जो अपन ने तीनों कर लिए। हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक को प्रूफ भी किया, इसी तरह से आप क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक को भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा दो फैक्टर लिए, क्यूबिक में आप एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा तीन ले सकते हैं, और इसमें एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा लेके आप प्रूफ कर सकते हो, यही रिलेशन आ जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, और अब अपन आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जीरोस दिए हैं तो किस तरह से अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे, तो देखिए जनरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसके कॉफिशियंट को वन बनाना है, तो हमने ए को ले लिया कॉमन, तो ए जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर ए नहीं था तो क्या हुआ, ए से डिवाइड हो जाएगा जब कॉमन लेंगे, तो बी अपॉन ए एक्स प्लस यहां पर भी सी अपॉन ए, एज इट इज एक्स स्क्वायर, क्या किया मैंने, इसको माइनस का करना है बी अपॉन ए को, तो जब ये माइनस का करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू सी अपॉन ए एज इट इज ए एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है, दिस इज द अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये क्या है, अल्फा बीटा, तो दिस इज द फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, ए कोई भी क्या होगा, इंटीजर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर जीरोस गिवन है तो उसके हिसाब से हम सम और प्रोडक्ट निकाल के आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करें, अगर ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक आए तो क्या करेंगे, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ प्रोडक्ट ना आगे क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टूज इनटू एक्स एंड देन माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्टरनेट चल रहा है, प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, तो ये क्यूबिक। इसी तरह से हम बाय क्वाड्रेटिक का भी बना सकते हैं। तो चलिए अब अपन आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस रूट थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो क्या है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस रूट थ्री इज द पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस आएंगे, तो क्या करते हैं जीरोस निकालने के लिए, सबसे पहले फॉर फाइंडिंग जीरोस पी ऑफ एक्स, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको जीरो करेंगे, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब
2 root 3x square minus 5x plus root 3 is 0. अब splitting the middle term हमने 9th class में सीखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले इनका into करते हैं a और c का, तो a कितना है 2 root 3 और c कितना है root 3, हमने a b c की value लेके रखी हुई है, तो 2 root 3 into root 3 क्या हो जाएगा 6. तो अब b के मुझे ऐसे दो part करने हैं जिनका sum तो 5 हो और product कितना हो 6 हो, क्योंकि यहाँ plus है इसीलिए sum होगा, तो 2 plus 3, तो ये बन गया 2 root 3x square minus 5 के place पे लिख लिया हमने 2 plus 3 into x plus root 3 is equal to 0. अब इस bracket को open कर लेंगे, 2 root 3x square minus 2x minus 3x minus कितना root 3 is equal to 0. तो क्या आ गया ये पहला एक pair और ये दूसरा, इसमें से क्या common आएगा, इसमें से आएगा 2x common, तो 2x जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा root 3 into x minus ये पूरा ही निकल गया तो क्या बचा 1, यहां से क्या कॉमन आएगा root 3 आ जाए क्योंकि 3 के अंदर root 3 होता है, तो root 3 कॉमन आएगा minus का, तो क्या बचेगा plus का root 3x minus बाहर आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा ये है plus, तो जब minus बाहर आया तो ये क्या हो जाएगा minus minus 1. अब ये root 3x minus 1 root 3x minus 1 दोनों में सेम है, ये हर बार चेक करना है, अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो ये सेम है तो कॉमन आ जाएगा root 3x minus 1, तो क्या बचेगा इधर 2x minus root 3, 2x minus root 3 equal to 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको, तो root 3x minus 1 is equal to 0 और 2x minus root 3 is equal to 0, तो इसको सॉल्व करने पर x आ जाएगा 1 upon root 3 और इसको सॉल्व करने पर x आ जाएगा root 3 by 2, तो ये x की वैल्यूज है, जो x की वैल्यूज होती हैं मतलब जो सॉल्यूशन होते हैं वही क्या होते हैं जीरोस, तो हेंस जीरोस आर, एक को अल्फा ले लिया और एक को बीटा, तो अल्फा आ गया 1 / √3 और बीटा आ गया √3 / 2, तो जीरोस तो निकल आए, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल तो यही तक करना है, लेकिन साथ में पूछा है कि रिलेशन भी वेरीफाई करना है अपन को, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो दो ही रिलेशन होंगे, एक सम ऑफ जीरोस दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है alpha plus beta is equal to minus b upon a, तो alpha कितना है 1 upon root 3, beta कितना है root 3 upon 2 is equal to minus, sign में आता है b, b क्या है minus 5 upon a कितना है 2 root 3, इसका LCM लेंगे 2 root 3, 2 इधर जाएगा plus यहां root 3 into root 3 3 हो जाएगा, और ये minus minus plus 5 upon 2 root 3, 2 plus 3 भी कितना होगा 5, 5 upon 2 root 3 is equal to 5 upon 2 root 3, तो LHS is equal to RHS, एक relation verify हो गया, दूसरे की बात करते हैं product of zeros, alpha beta is equal to c upon a, alpha 1 upon root 3 है, beta root 3 upon 2 है, is equal to c कितना है, root 3 और a है 2 root 3, root 3 से root 3 यहां भी जाएगा, root 3 से root 3 यहां भी, 1 upon 2 यहां और इधर भी 1 upon 2 आएगा, तो LHS is equal to RHS, तो ये भी क्या हो गया, verify, तो इस तरह के question पूछे जाते हैं, के जीरोस निकालिए और उसका वेरिफिकेशन कीजिए रिलेशंस के बेस पर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, आरएस में दिए, आरडी में दिए, तो आप इन्हें सॉल्व करिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछ लीजिए, चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर्मेशन पर, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फॉर्म करना है, तो क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर root 3 and 1 upon root 2 and 1 upon root 1 upon 3, this is the sum and this is the product, तो क्या करना है हमें quadratic polynomial को form करना है, तो देखिए since alpha plus beta sum क्या दिया है root 2 and product दिया है 1 upon 3, मतलब alpha beta is equal to 1 upon 3, तो अभी अभी हमने सीखा था कि क्या formula होता है, तो quadratic polynomial p of x a x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, a कोई भी वैल्यू हो सकती है कोई भी रियल नंबर, तो a as it is x square alpha plus beta रख दिया हमने क्या root 2 x plus 1 upon 3, अभी upon में है तो इसको क्या करेंगे हम simplify करेंगे, LCM ले लिया 3 3x square minus 3 root 2 x plus 1 upon 3, मैंने क्या बताया था a कोई भी नंबर हो सकता है, अब denominator में 3 आया तो इस 3 को हटाने के लिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, अगर denominator में कुछ नहीं आता तो a 1 हो जाता, तो a equal to 3 लिया तो 3, 3x square minus 3 root 2 x plus 1 upon 3, 3 से 3 cancel हो जाएगा तो ये क्या आएगा 3x square minus 3 root 2 x plus 1, ये आ गया अपना quadratic polynomial, तो इस तरह से करते हैं,
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो एक और मेथड है, उससे कर लेते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, सिंस अल्फा प्लस बीटा रूट टू दिया हुआ है, अल्फा बीटा वन अपॉन थ्री, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू रूट टू, और सी अपॉन ए वन अपॉन थ्री, माइनस को उधर लेके गए, बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस रूट टू, सी अपॉन ए वन अपॉन थ्री है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में थ्री है तो इधर भी होना चाहिए, तो हमने क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में थ्री से इंटू कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, बी अपॉन ए क्या बन गया, माइनस थ्री रूट टू अपॉन थ्री, और सी अपॉन ए क्या बन गया, वन अपॉन थ्री। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ भी ए थ्री है और यहाँ भी ए थ्री है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई थ्री, बी कितना है माइनस थ्री रूट टू, और सी कितना है वन, तो एबीसी की वैल्यू मिल गई। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में रख देंगे, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ए की जगह थ्री एक्स स्क्वायर माइनस बी कितना है थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, तो ये आ गया। देखिए आंसर सेम है दोनों केसेस में, तो जो भी आपको इजी लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि किस तरह से रिलेशंस फाइंड किए जाते हैं, किस तरह से जीरोस फाइंड किए जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, और वेरिफिकेशन, एंड ऑल्सो हाउ कैन वी फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो इन सब की आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में है, आरएस में है, आरडी में है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम और एप्लीकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।